ಭಕ್ತಾಯವೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಸಾದಿ ಶ್ರೀ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. सबसे पहले मैं अपने परम गुरु परमाराध्य गुरुदेव पूज्य पाद भक्तिदान श्रीधर महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ. तत्पश्चात परम गुरुदेव पूज्य पाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करता हूँ. समस्त गुरु वर्ग गुरु परंपरा के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ. समस्त आचार्य वर्ग समस्त वैष्णव जन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ. यहाँ उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी सभी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ. हमारा सौभाग्य है आज आप लोगों का अति अति सौभाग्य आपके घर श्री माया जी पधारे हैं. संत जब किसी के घर में आ जाए तो वो घर साक्षात भगवान का धाम स्वरूप ही बन जाता है, क्योंकि भगवान अपने से ज्यादा हित अपने से ज्यादा प्रेम अपने अपने लोक से ज्यादा प्रेम संतों से करते हैं. संत आ गए तो समझ लीजिए भगवान की कृपा आ गई, कृपा प्रसाद आ गया. आप सभी हम सबको आशा होती है भगवान का प्रसाद पाने की, भगवान का प्रसाद मिले भगवान की कृपा मिले. तो पद्म पुराण कहती है कृपा एव संचय संतन ही साधवाह वैष्णवाह इति श्री. भगवान की कृपा साक्षात संत के रूप में ही भगवान की कृपा है महाराज जी आए हैं. देखो आप सब लोग अब ये सब लोग तो वैसे ही श्रेष्ठ हैं हम सबसे. ये सब वैष्णव लोग ये तो हमेशा इन्होंने भजन ही किया है. पूज्य महाराज जी हैं भैया हैं और ये सब है. अपन लोग तो अपन अपन की बात करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के घर में आया हूं तो थोड़ी अपनी बात हो जाए. देखो आप जब भी आप लोगों के घर में श्री बाल गोपाल विराजमान हैं, इनकी खूब मन से सेवा कीजिए. आप लोगों ने नाम की महिमा बहुत सुनी, महाराज जी से भी सुनी, अन्य वैष्णव से. आज थोड़ी श्री गोपाल की बात कर लेते हैं. गोपाल जी को हम लोग रख तो लेते हैं, पर उनकी वैसे ही सेवा. एक बार बड़े महाराज जी से किसी ने पूछा कि भक्ति कैसे करें. उन्होंने कहा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? उसने कहा चार लोग हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई. तो महाराज जी बोले अब से चार नहीं पांच लोग होंगे. एक जो आले में बैठे श्री गोविंद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ना, वो भी तुम्हारे घर के सदस्य हैं. आज से जो भी कुछ बने वो पांचों के लिए बनना चाहिए. जो भी कुछ जो भी घर में नई चीज आए पहले श्री भगवान को दिखा करके ही उसके प्रयोग में आए. जैसे कर्माबाई का नाम सुना है आपने, जिसकी खिचड़ी भगवान ने खाई थी, वो कर्माबाई थे. तो आरोगो जी मदन गोपाल कर्मा बाई रो की चढ़ियों थे तो आरो गोरी मदन गोपाल कर्मा बाई रो की चढ़ियों. उनके अंदर भाव था इसीलिए भगवान आ गए. हम लोग थक गए छप्पन भोग धराते धराते, पर भगवान प्रसाद नहीं पाते. भगवान भाव के भूखे हैं. आप सभी लोग आप सभी लोग श्री भगवान को अपने घर में विराजमान कर ही रखे हैं. आप उनका पूरी पूरा पूरा ध्यान रखें. ये भैया बना लो.
तो भगवान अब आप शांति से कथा सुन लो, दो ही मिनट बोलूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। तो भगवान को विराजमान कर, देखिए सुबह भगवान को उठाइए, जब आप स्नान करने के बाद श्री भगवान को उठाइए, मंगलमय उनका दर्शन होगा। उसके बाद भगवान को कैसे उठाना है वो भी बताया गया है। सब चीजों में भाव होना चाहिए। श्री भगवान को आपको पद आता हो तो भगवान का पद गा करके उठाइए भगवान को, जैसे माताएं गाती है ना, छोटी छोटी छोटे से बाल गोपाल को वो पर्दा हटा करके माताएं गाती है, गाँव में भी गाती है माताएं, अभी भी गाती है। तो आप लोग को अगर पद आता है तो भगवान को पद गा करके सुनाइए। बहुत रीझते हैं भगवान पदों से, अगर गा करके भगवान को रिझाओ ना तो भगवान बहुत रीझते हैं। तो भगवान का पद आता, उठो रे मेरा मोहन प्यारा, उठो नंद दुलारा, भोर भयो अब वंशी वारे हो गया है उजियारा। उठो उठो मदन गोपाला, हो गया है उजियारा, उठो उठो मदन गोपाला। भगवान को पद गा करके सुनाओ फिर उठाओ। उठाया भगवान को तो जैसे हम लोग किसी को सुबह सुबह किसी का दर्शन करते हैं, बड़े वरिष्ठ का दर्शन करते हैं, तो पहले उनके चरण छूते हैं ना, उठते श्री भगवान के चरण, उनको उठाते हैं, उनके चरण छूओ। कैसे छूते हैं? दाएं हाथ से दायां चरण, वाम हाथ से वाम चरण। पहले उनको उठा करके फिर उनके चरण स्पर्श, फिर उसके बाद जैसे हम लोग उठते हैं तो सुबह कूला कराते हैं भगवान को, वैसे श्री भगवान को भाव से उनको उनको उनका अर्चन कीजिए। हाथ में छोटा सा झारी और एक हाथ में कोई भी कटोरी, तो मन से कि प्रभु ने कूला कर लिया। फिर उसके बाद भगवान के स्नान इत्यादि, भगवान को निलाना, मतलब जो करना है भाव से करना। जैसे हम अपने खुद के बच्चे के लिए भी तो करते हैं ना, आप यकीन मानिए बहुत सारे घरों में मैंने सुना है बहुत कष्ट हुए हैं लोगों को, बहुत दिक्कतें हुई हैं, तो बड़े बड़े संतों के द्वारा उनके घर में जब श्री नंदलाल आए हैं, श्री लड्डू गोपाल आते हैं और जब वो उनकी सेवा करते हैं, तो मैंने बहुत ज्यादा बहुत बहुत लोगों से सुना है कि उनके घर के कष्ट दूर हो गए। अरे जब अपना श्री भगवान को बना ही लिया तो भगवान कष्ट क्यों नहीं दूर करेंगे। और कथा सुनना भगवान को अतिशय प्रिय लगता है। भगवान की कथा सुनिए, भगवान का नाम जप कीजिए। कैसे भी भगवान का नाम जप किया जा सकता है, चलते फिरते उठते बैठते हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, खूब भगवान की सेवा कीजिए, भगवान को बढ़िया बढ़िया चीजें बना कर के भोग लगाइए, अपने अपनी तरीके से अपने अपना मान करके भगवान को। यूं नहीं ये आले का शो पीस बना करके धर दिया, कई घरों में देखते हैं ना, एक गोपाल जी के एक घर में गया मैं, तो एक गोपाल जी की एक आंख ही गायब कर रखी, कई दिनों से वो आंख गायब। तो मैंने कहा इनकी दूसरे नैन का है, कहते वो पता नहीं कहां खो गए, वृंदावन जाएंगे तब लेके आएंगे। ऐसे नहीं, अपने से अपनी सी प्रीति करके रखिए श्री गोविंद को, तब आपके सारे कष्ट दूर हो, आपको भक्ति की प्राप्ति होगी। भगवान का नाम स्मरण कीजिए और बाकी तो आप लोगों को क्या कहना, महाराज जी अब आई गए आप लोगों के घर, आपका मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सही बोलो एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, कोई बोले सब वापस बोलो एक बार, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare यहाँ से मंदिर में कौन कौन आता है आप आते हैं मंदिर में आते हैं मंदिर में कोई नहीं आता अच्छा ये पीछे कहीं है माता जी अच्छा ठीक है मंदिर में कोई आए ना है संतित कृपालु होते हैं वो दया करने के लिए आपके घर में आ जाते हैं है ना घूमते फिरते देखो संत आपके घर में आए बड़ी सौभाग्य का दिन है भागवतम में देखो ये बात वर्णन की गई है वासुदेव महाराज जो थे वो एक बार क्या है विश्व शांति यज्ञ कर रहे थे बड़ा ही सुंदर वो यज्ञ का आयोजन कर रहे थे वहां पे यज्ञ के सामने यज्ञ कुंड है अग्नि प्रभा उसके अंदर जल रही है वो स्वाहा स्वाहा करके मंत्रों के आहुति के साथ में वो यज्ञ कर रहे हैं बैठ गए तो महाराज वसुदेव जो थे वो इस यज्ञ को कर रहे थे और यज्ञ में आहुति दे रहे हैं आहुति देखते देखते उन्होंने देखा ऊपर से जो है कोई बड़ी सी ज्योति उनको दिखाई दी बड़ी सी ज्योति वो धीरे 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 नीचे आई नीचे आते हुए देखा तो साक्षात वो नारद जी थे नारद जी को आते देखकर जो है भगवान उन्होंने वासुदेव ने वो यज्ञ को छोड़ दिया और नारद जी को दोनों हाथों से प्रणाम करके उनके चरण प्रक्षालन किए तो बोले भैया वो यज्ञ कर रहे थे यज्ञ कौन सा कर रहे थे विश्व शांति यज्ञ जिससे कि पूरे विश्व में शांति हो और फिर इसको बीच में क्यों छोड़ दिया उसको यज्ञ को बीच में क्यों छोड़ दिया तो यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि साक्षात उनको साधु का दर्शन हुआ है शुद्ध वैष्णव का दर्शन हुआ है तो उन वैष्णव के दर्शन मात्र से ही जो है सब में सर्वत्र शांति हो जाएगी सर्वत्र जो है हरि कीर्तन होगा तो उससे एकमात्र शांति हो ही जाएगी तो उन्होंने क्या किया उस यज्ञ को तत्क्षण रोक के और साधु का सम्मान किया उनके चरण प्रक्षालन किए उनका चरणामृत जो था उसको पूरे अपने राज्य में उसको छिड़कवाया ताकि सब तरफ जो है शांति हो और उनसे जो है उनके बाद में साधु जब घर में आते हैं तो ऐसा नहीं उनसे कोई जो है संसारिक बातें आप करो कि महाराज हमारे ये कष्ट है महाराज हमारे ये दुख है ये हो गया वो हो गया महाराज वसुदेव जो है बड़ा एक सुंदर प्रश्न करते हैं कि जीवात्मा को जो है शांति कैसे मिले जीवात्मा को शांति कैसे मिले तो नारद जी यहाँ पर उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है और इस प्रश्न का उत्तर जो है भागवतम में वर्णन करते हुए बताया है कि ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है और किस प्रकार जो है हम इसको भजन करते करते ही एकमात्र जो है हमें शांति मिल सकती है वो कह रहे हैं कि दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम अन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम क्या कह रहे हैं कि दुर्लभम मनुष्य जन्मम अर्थात ये मनुष्य जन्म जो है 84 लाख देखो योनियां होती हैं हमारी उन 84 लाख योनियों में घूमते फिरते फिरते आपको सब लोग यहाँ पे हिंदू है ना सब लोग को एटलीस्ट ये चीज तो पता ही है कि हमारा शरीर नहीं है हम आत्मा है तो ये शरीर हम शरीर जब मरता है शरीर तो यही रह जाता है लेकिन इसके अंदर की जो आत्मा है वो कहाँ जाती है फिर वापस वो किसी नए शरीर में जाती है उसको कोई और योनी मिलती है तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते कभी हम कुत्ते बने कभी हम सूअर बने कभी हम कोई मक्खी कभी क्या भगवान ने जो है बहुत ही कृपा करके क्या दे दिया ये मनुष्य जीवन दे दिया भगवान राम भी इस चीज को कह रहे हैं कि बड़े भाग मानो स्तन पावा और भगवान ने जो है ऐसा नहीं कि आपने कोई पुण्य पुराने जन्म में जो कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए आपको ये मनुष्य जीवन मिल गया नहीं कह रहे हैं देत ईश बिनु हेतु स्नेही भगवान ने कैसे ना कैसे बस कृपा करके आपको ये मनुष्य जीवन दे दिया तो मनुष्य जीवन दिया किस लिए खाने के लिए सोने के लिए हाँ बच्चे पैदा करने के लिए अपना संसार आगे बढ़ाने के लिए देखो एक हाथी होता है ना हाथी भी जी भर के खाता है जितना हाथी खाता है जितने और दूसरे दूसरे जानवर खाते हैं हम तो उतना खा नहीं सकते 8-10 रोटी खाएंगे ज्यादा से ज्यादा 12 रोटी खा लेंगे एसिडिटी हो जाएगी ठीक है सोने के अंदर भी जो है काफी सारे ऐसे जानवर है जो हमसे कई ज्यादा सो सकते हैं बच्चे पैदा करने के अंदर देख सुअर जो होता है एक कुत्ते जो होते हैं वो एक ही बार में कितने कितने बच्चे जन्म देते हैं इंसान के तो कभी कभी ट्विंस हो जाते हैं वरना तो एक ही संतान जन्म होती है तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि इसको खाने सोने बच्चे पैदा करने के लिए नहीं दिया है कि दुर्लभ मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और क्या है देहिनां क्षण भंगुर ये जो है आपको मिला है मिला भी बहुत थोड़ी सी देर के लिए मिला है आपको बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए मिला है कब जो है मृत्यु आ जाएगी किस क्षण मृत्यु आ जाएगी इसका कोई निश्चित नहीं है अभी मान लो आप रोड पे जा रहे हो वहीं पर ही एक्सीडेंट हो गया भगवान ना करे ऐसा हो
लेकिन मान लो हो गया तो तभी के तभी मान लो प्राण पखेरु उड़ गए तो कोई गारंटी है उस चीज की? कोई गारंटी नहीं है। ओ ट्रांसलेटर, मुझे लगा माइक मांग रहा है। तो उन्होंने यहाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये जो है क्षण भंगुर, आपको जो बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए मिला है, तो थोड़ी कोई चीज जो है बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा, उसको अगर कोई थोड़ी सी देर के लिए मिली है कोई चीज तो उसका सदुपयोग करेगा ना, उसका सदुपयोग करेगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम अन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कि मनुष्य जीवन मिला है वो दुर्लभ है, दुर्लभ होने के साथ साथ ही वो जो है थोड़े कम समय के मिले ला है, और कम समय के लिए तो मिला है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ चीज क्या है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अर्थात जो ऐसे शुद्ध साधु संत जो है वो घूमते फिरते कहीं ना कहीं भगवत कृपा से ही जो है हमारे घर में आ जाते हैं, तो उनका दर्शन जो है वो और भी दुर्लभ है, उनका दर्शन और भी दुर्लभ है। क्यों भैया उनका दर्शन दुर्लभ कैसे हो गया? उनका दर्शन दुर्लभ इसलिए है क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि भव्य संत लोग इधर उधर घूमते हैं, इनको जो है खाने को अपने आश्रम में मिल नहीं रहा था, तो लोगों के गृहस्थ लोगों के यहाँ जा जाकर वो थोड़ा थोड़ा पेट पालन कर रहे हैं। महाराज जी देखो हमारे वृंदावन में मठ है, हमारे परम गुरुदेव जब किसी बाहर जब विदेश में गए थे प्रचार के लिए, तो उन्होंने ये चीज बात कही कि मुझे जो है दो रोटी थोड़ा सा दाल चावल जो है अपने मठ में भी आराम से मिल रहा था, लेकिन जो वो देखते हैं कि किस प्रकार विश्व के अंदर जो है अशांति है, किस प्रकार जो है प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई अपने पति से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, बोले पति शराब पी है, बच्चे जो है बात नहीं सुनते हैं, इधर उधर के काम में लग गए हैं, बिल्कुल निकम्मे हो गए हैं, इतनी पढ़ाई में पैसा लगा है फिर भी जो है नौकरी नहीं मिल रही, तो कोई ना कोई हर एक किसी ना किसी कारण से जो है दुखी है, और उस दुखी जीवन से जो इनके सारे जीवन इनका जो है कितना कापित है इनके जीवन, तो उसके लिए जो है वो क्या बताते हैं, एकमात्र उपाय बताते हैं। क्या उपाय वो बता रहे हैं? बोले जो एकमात्र भगवान का भजन करोगे, एकमात्र जो है भगवान का नाम लोगे, उसी से आपको शांति मिलेगी, अन्यथा उस दुख का और कोई निवारण नहीं है। ये बच्चा वो कह रहे हैं कि एकमात्र भजन करने से ही जो है आपको शांति मिलेगी, और किसी शांति का आपको कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए ये संत जो है इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं, ये घर घर जा जाकर बताते हैं कि देखो तुम सुख ढूंढ रहे हो, हम जो है भगवान की संतान है, भगवान क्या है सच्चिदानंद स्वरूप है, वो जो है सबको आनंद देने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग को भी आनंद चाहिए, हम लोग को भी खुशी चाहिए। किसी को दुख चाहिए यहाँ पे? किसी को भी दुख चाहिए नहीं चाहिए ना, सब सुखी रहना चाहते हैं, सब चाहते हैं परिवार में शांति हो, सब चाहते हैं हम लोग जो है ठीक से हमारे लाइफ चलती रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन जो है देखो दुख कहीं ना कहीं से ढूंढता ढूंढता जो है आपको पकड़ ही लेता है। जब जो आराम से भले चित्ते बैठे थे, थोड़ा रास्ते में गए और किसी ने जो टक्कर मार दी, और कुछ नहीं तो बाहर घर से बाहर बस निकले ही थे, सांड ने जो है सींग मार दिया, तो ये दुख को कोई आमंत्रित कर रहा है क्या? कोई चाहता भी नहीं है, कोई आमंत्रित भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है कैसे ना कैसे आ जा रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो भगवान यहाँ पर संत लोग जो है ये बताते हुए कह रहे हैं कि भैया सावधान हो जाओ, ये दुख तो आएंगे, लेकिन जो है अगर आप भगवान का भजन करोगे तो ये दुख नहीं आएंगे। भगवान का भजन करो, भगवान का भजन कैसे करो, कलयुग में एकमात्र उपाय बताया है कि भगवान का नाम लो। ये सब मेरे पीछे बोलो एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो एकमात्र जो है भगवान का नाम लेने से, और जो जैसे अभी बता रहे थे ना वासुदेव महाराज किस प्रकार यज्ञ कर रहे थे, आप लोगों को शांति के लिए कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग में जो है सबसे साधा सबसे सिंपल उपाय ये बताया है कि भगवान का नाम करो। भगवान का नाम करने से जो है क्या है, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आपके परिवार में सब चीज ठीक चलेगी, आप जो है गृहस्थ जीवन सब अच्छे से निकलेगा, क्योंकि भगवान कौन है, हम जो है भगवान की संतान है, हम भगवान की संतान है, हम लोग जो है हमारे हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है, और आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है। तो जब हम देखेंगे हम ये जब भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवान से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान जब देखते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मेरी प्रार्थना कर रहा है, तो आपकी प्रार्थना सुन के और क्या करते हैं, आपके सारे दुख कष्ट को हर लेते हैं। और ये भगवान का नाम जो है, ये भगवान का नाम क्या है, ये आपको सुख शांति प्रदान करने वाला है। लेकिन ये जो भगवान का नाम है ना, ऐसे आप जैसे एक पिस्तौल की गोली है, देखिए सबने कितनी छोटी सी होती है, लोहे की बनी हुई होती है, अगर उसको यहाँ से उठाया किसी के मारो ना, मान लो माथे पे लगेगी, फूल जाएगा, थोड़ी सी लगेगी, लेकिन पिस्तौल की गोली क्या यही कर सकती है? पिस्तौल वही गोली को अगर आप बंदूक में लगा के मारोगे ना,
राम नाम सत्य है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान का नाम जो है, ये भगवान का नाम जो आप लो ऐसे लोगे तो ये आपको फायदा तो करेगा, ये फायदा करेगा, लेकिन यही भगवान का नाम अगर आप किसी सदगुरु के बुक से ग्रहण करो, सदगुरु से आप ग्रहण करोगे तो वो क्या काम करेगा, बंदूक का काम करेगा, और जो वो उसका इतना ज्यादा प्रभाव होगा कि भगवान साक्षात रीत जाएंगे और आपको जो है आपके सारे दुख कष्ट हट लेंगे, आपको शांति प्रदान करेंगे, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। ठीक है, तो महाराज जी कृपा करके यहाँ पे आए हैं। देखो यहाँ पर कुछ कोई भी लोग, मैं पूछ रहा था मंदिर आते, कोई लोग मंदिर आते नहीं, ये एक माता जी मुझे दिखी तिलक लगाते हुए, कंठी पहने हुए, और तो कोई किसी ने कंठी नहीं पहन रखी, किसी ने तिलक नहीं धारण कर रखा, कोई मंदिर लोग आते नहीं, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं मंदिर। जब भी आपका समय मिले देखो मंदिर आया करो, वहां पे जो प्रोग्राम होता है हमारे प्रभु जी लोग हैं वो ऐसी ही हरी कथा होती है, एकमात्र देखो हरी चर्चा करोगे, भगवान की कथा सुनोगे ना, उससे ही आपको शांति मिलेगी। देखो इधर उधर की बात बैठ के दो आराम से लेडीज जो है ना इधर उधर की बातें बहुत जी भर के करती रहेंगी, लेकिन जो थोड़ी देर बोलो भगवान की कथा, मंदिर आना भगवान की कथा सुनना, कोई आने को इच्छुक नहीं है, दुनिया जहान की बातें कर लेंगे लेकिन मंदिर कोई आना नहीं चाहता। जहां पर शांति है वहां पर आते नहीं हो, और दुनिया दूसरों से एक दूसरे से अपने दुख की चर्चा करते करते दुख का निवारण सोचते हो, वो निवारण नहीं होगा उस चीज का। ठीक है, तो मंदिर आया करो, मंदिर में आओगे तभी देखो सुनोगे क्यों हमको कंठी पहननी चाहिए, क्यों हमको जो तिलक लगाना चाहिए, क्यों भगवान का नाम लेना चाहिए, किस प्रकार भगवान का नाम जो है वो एकमात्र सुख और शांति देने वाला है। मंदिर आओगे धीरे 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 देखो यहाँ भागवत कथा भी चल रही है, भागवत कथा में तो आते हो आप, आते हो और आप लोग नहीं आते। ठीक है, शाम में भागवत कथा होगी, देखो शाम में 6 बजे से सब लोग भागवत कथा में आना, और जो रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद, हाँ कल परसों के दिन बना था गुलाब जामुन, और कल तो रबड़ी फलूदा और रसगुल्ला, रोज रोज आओगे। देखो टेंशन क्या है माता को शाम में घर में खाना बनाने की, खाने की कोई टेंशन ही नहीं वहाँ पे, बढ़िया पूड़ी कड़ी चावल और रसगुल्ला और रबड़ी फलूदा। कल तो आज आज गिरिराज पूजा, आज अन्नकूट महोत्सव, 56 भोग बनेगा, तो आराम से शाम में खुद भी आओ, बच्चों को भी लेकर आओ, परिवार को लेकर आओ, वहां पे कथा भी सुनो, कथा सुनने के बाद में चकाचक प्रसाद खाओ, आके सो जाओ, हमको तो ऐसा कोई ऑफर देता हम तो छोड़े ही नहीं। ठीक है, सब लोग आना शाम में कथा में आना, और वहीं से पास ही में मंदिर है, बीच बीच में जैसे जो है मंदिर में आते रहोगे, कथा वगैरह सुनते रहोगे तो मन को शांति मिलेगी, क्योंकि देखो एकमात्र कथा जो है ना, भगवान की कथा, भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो शांति दे सकती है, और बेटा सुख नहीं देगा, पति सुख नहीं दे सकता, पति से तो अशांति मिलती है, पत्नी से शांति मिलती है, हाँ आप सोचते हो कि हाँ ठीक है इनसे शांति, लेकिन देखो भगवान का नाम एकमात्र है, भगवान की कथा एकमात्र है जो आपको जो है खुश रख सकती है, शांति दे सकती है। ये क्या क्या, मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ, वंशा कर पत्र कृपा सिंधु पदिया नाम पावन वैष्णव, सब लोग आना कथा में। ठीक है, शाम में भले से वृंदावन बिहारी लाल की जय में कौन सी स्कीम कर रहे हो बिना पैसा के, जो जितने जोर से ठाकुर का जय दोगा ना, ठाकुर का थोड़ी जय, ठाकुर का तो जयकार है, जो जितने जोर से ठाकुर का जय देगा उसका उतना ही जय होगा, समझ रहे हो, और उतना ही संसार का दुख कष्ट दूर होगा, उतना संसार में शांति और सुख संसार में मिलेगा। ठीक है, इसलिए और एक बार जो बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय, अभी लग रहा है कुछ जयकार हो रही है। देखो भगवान की भक्ति करने के लिए 3 चीज की जरूरत है, कितना है, हाँ देखो जैसे आप विदेश जाना चाहते हो ना, आपके पास मगर 3 चीज होगा विदेश आसानी से जा सकते हो, पता है क्या चीज, पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर है वीजा, और तीसरा नंबर टिकट, अगर 3 चीज हो जाएगा ना सीधा अब विदेश में जा सकते हो। उसी तरह अगर ठाकुर जी को पास में जाना चाहते हो तुम्हारे पास में 3 चीज होनी चाहिए, कितना चीज होनी चाहिए, क्या क्या, हाँ हाँ तो पंडित लगते सब सीख गए इसलिए क्या होनी चाहिए, जैसे अब यहाँ पर शादी शुदा कौन माता की है, किस किस की शादी हो गई, हाथ उठाओ, इसलिए शादी कौन किया, शादी हुई है किसकी, तुम्हारी शादी हो गई, किसकी नहीं हुई, उसकी नहीं है, इनको इधर देखो, शादी हो गई तुम्हारी, हो गई, और तुम्हारी तुम्हारी जो शादी हो गई, हाँ देखो तुम्हारी जो शादी हुई है
हमारे शरीर में एक बात मत करो, रोना नहीं, क्यों रो रहे हो, बंदर को दे देंगे। शादी नहीं हुई इसलिए। अरे क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? हरे कृष्णा। इसलिए जब शादी हो गई ना, आपको देखने से पता चल जाता शादी हो गई, क्यों? सिंदूर लगाए हो, मांग भरे हो, मंगलसूत्र पहनती ना, इसलिए इससे पता चलता तुम्हारी शादी हो गई। देखो ये दुनिया की पति के लिए, दुनिया के पति के लिए जब हम सिंदूर लगाते हैं, मांग भरते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, हाथ में शंखा पहनते हैं, हाँ ये जगत, फिर तुम ये जगत का पति के लिए इतना किया, लेकिन परम पति के लिए तुमने क्या किया? हमारे जो जन्म जन्मांतर से पति है, हैं? जो हर जीवन में हमारे जो पति रूप में रहते हैं, वो परम पति भगवान कृष्ण के लिए भी कुछ करनी चाहिए। इसलिए पहला नंबर क्या है, पहले पासपोर्ट बनाओ। क्या बनाओ? पासपोर्ट क्या है, मतलब गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए, गले में तुलसी की कंठी जरूर पहना करो। इसलिए जब महाराज जब दूतों को कहते हैं, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनको मेरे पास में मत लाया करो। जब दूत कहते भैया कौन भक्ति करता नहीं करता पता कैसे चलेगा, तो उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे एक सधवा स्त्री सिंदूर लगाती है, मांग भरती है, नाक में बेसर पहनती है, हैं? मंगल सूत्र कुछ चिन्ह है ना शादी करने की, पति है, उसी तरह जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको गले में भी तुलसी कंठी देखोगे। जब तुलसी कंठी देखोगे समझ जाना कि ठाकुर जी की भक्ति करने वाले व्यक्ति। और जो कंठी जिसको पास में नहीं होगा ना, उनको चोटी पकड़ कर घिसड़ घिसड़ कर यहाँ ले आना। जम स्वयं कहते हैं। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया, बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के कुत्ते हैं बोलो? कहते एक पालतू और एक फालतू है। कहते पालतू कुत्ते पता कैसे चलता है, बोले गले में उसका पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर के कुत्ते हैं। और जो फालतू कुत्ते बोले बिने पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारेगा नहीं और फालतू को कोई छोड़ेगा नहीं, समझ रहे हो? इसलिए बननी चाहिए ठाकुर जी की पालतू। किसकी बननी चाहिए? गले में कंठी हो तो पालतू, नहीं हो तो तुम लोग पालतू ना फालतू हो। अरे हंस रहे क्यों, यहाँ पर कौन फालतू और फालतू है? इसलिए पालतू बना करो, गले में कंठी पहनो। अगर जमपुरी जाना नहीं चाहते हो, अगर जमपुरी जाना चाहते हो, गले में कंठी मत पहनो, ठीक है? अगर दूसरा चीज क्या है, कहते उसका भीजा, भीजा मतलब यहाँ पर तिलक होनी चाहिए, जैसे माताएं सिंदूर लगाए ना, मांग भरी हो। ये जगत का पति के लिए तो इसको कर दिया, लेकिन परम पति के लिए तुमने क्या किया, तिलक जरूर होनी चाहिए। और तिलक देखना, भगवान कृष्ण को देखो तिलक लगाए होगे, भगवान राम को देखना तिलक लगाए, भगवान नारायण को देखना तिलक, भगवान श्री हनुमान जी को देखना है, हनुमान जी को देखना तिलक है, गणेश जी को देखना तिलक, सब तिलक धारण करते हैं, ठीक है? तिलक ऐसे लगानी चाहिए, देखो जो दो गोपी कैसे लगाए, ऐसे तिलक लगाती है, तिलक ऐसे गोपियों की चरण धोली है, अगर इसको लगाओगे ना शरीर पवित्र, मन पवित्र रहेगा। कभी ये तिलक अगर तुम्हारी ललाट में ये तिलक है ना, कभी तिलक को जो दर्शन करता है, ठाकुर जी का दर्शन करने का फल उसको मिलेगा, है इसको ठाकुर दर्शन करने का, ठीक है ना? सबको इसमें तिलक लगाइए, गोपियों की चरण धोली है। तीसरा चीज है भगवान के नाम जप करनी चाहिए, ठाकुर जी के नाम जप करनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अंतिम समय में ये दुनिया का कोई चीज तुम्हारी काम आने वाले नहीं। देखना मरते समय जब कोई व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं ना, चार व्यक्ति सुने वो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा। बेटा जितने राम का नाम कृष्ण का नाम लिया ना, वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किए हो सब झूठे में बिताए। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजे तक चलेगी, उसका आगे नहीं चलेगी। परिवार जाएगी तो शमशान तक चलेगी, उसका आगे कोई चलेगी नहीं, साथ में क्या चलेगा? इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सुने कि नहीं? वही उतना ही चलेगा जितने प्रभु राम का नाम लिए हो, केवल वही चलेगा, और कोई साथ में तुम्हारी अंतिम समय में कोई काम में आने वाले नहीं। इसलिए भागवत में बताया मरने का बात है ना, जब महाराज को सामने खड़े किया जाता है, मरने का बात खड़े कर दिया जाएगा, तुम्हें ये पूछेंगे तुमको 84 लाख जीवन के बाद में जो ये मानव शरीर दिया था
तुमको ये नहीं पूछा कि तुमने कितने बेटे जन्म दिए हो, कितने छोरी जन्म दी, तुमने कहाँ कहाँ शादी कराया, कहाँ कहाँ पढ़ाई, ये नहीं पूछेंगे। तुमको एक ही प्रश्न करेंगे, ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार तुम्हें जो हमने मानव शरीर दिया, जिस काम के लिए दिया था, किसके लिए दिया था, घर गृहस्थी के लिए नहीं। इसलिए कहते हैं आए थे हरि भजन को, ये तुलसीदास जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। तुम तो भक्ति करने के लिए आए थे और भक्ति को तुमने एक तरफ में रख दिया, जो काम के लिए आए थे, और जो काम के लिए नहीं आए थे ना, बस उसमें लग पड़े। समझ रहे हो, जो करने के लिए आए थे उसको किया नहीं किया, और जो नहीं करने के लिए आए थे उसको पीछे लग पड़े, बात जीवन खत्म। फिर वही 84 लाख जीवन जो नहीं जाओ। इसलिए क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी की हरि नाम करनी चाहिए। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरी सुमेरी नर होता रहे भरा। समझ रहे हो, इसलिए सवेरे नहा धो करके ठाकुर को जिस बताए ना, ठाकुर को जगाओ, ठाकुर जी का आरती उतारो, ठाकुर जी की आरती उतर, ठाकुर जी को जगाओ, ठाकुर जी को थोड़ा भोग लगाओ, लड्डू पटो हो ठाकुर जी को भोग लगाओ, मिश्री मक्खन हो तो भोग लगाओ, जो कुछ होगा घर में भोग लगाओ, लगा कर क्या करना, माला लेकर के थोड़ा हरि नाम करना। करते हो माला, कौन कौन करते हो माला, करते हो, और तुम लोग क्या करते हो, छोरा छोरियों की माला जब करते हो, इसलिए देख ठीक है ना, घर में क्या करना, यही धनी जाएगा। संसार को करो लेकिन अपना किस रूप में, ये घर को मानो ठाकुर जी का घर है, क्या मानो, ठाकुर जी की घर है, हैं? और घर में जो रोसोई करते हो, किसके लिए रोसोई करते हो, किसके लिए करते हो, बोलो, ठाकुर को भोग लगाते कि नहीं, कौन कौन भोग लगाते, सही सही बताओ, भोग लगाते हो ना ठाकुर जी को, प्याज लहसुन खाती हो, तो क्यों खाते हो, जो वो जो नहीं खाते तुम क्यों खा रहे हो, क्यों खाते हो, इसलिए देखो, जो चीज ठाकुर को प्यारा नहीं वो चीज हमें भी प्यारा नहीं होनी चाहिए। देखो एक समझो, जैसे तुम्हारे घर में एक नौकर रहता है, वो नौकर क्या करता है, बढ़िया बढ़िया खाना बना कर खा रहा है, और तुम घर की मालकिया नहीं, लेकिन तेरे को जैसे तैसे बना कर दे देती, लेकिन खुद बढ़िया बढ़िया चकाचक रोज बढ़िया बढ़िया बना कर खाती है, तेरे को पता चले गया मेरे घर में नौकर ऐसे करता है, उसको क्या करोगे, भगाओगे ना, तो घर का मालिक ठाकुर ना, तो घर का मालिक तुम हो, तो फिर ठाकुर जी को जैसे तैसे दे दिया, तुम प्याज लहसुन बना कर खा रहे हो, ठाकुर को पता क्या नहीं चले, धक्का मार कर घर से निकाल देंगे तुमको, समझ रहे कि नहीं, घर का मालिक ठाकुर तुम नहीं हो, समझ रहे हो, और ठाकुर को भोग लगा कर खाओगे ना घर में लक्ष्मी आएगी, अगर ठाकुर को भोग नहीं लगा करके दरिद्र बनोगे। इसलिए सुदामा का नाम सुने हो, ये दरिद्र क्यों बना फिर धनी क्यों बना, क्योंकि उनको गुरु माता ने उनको चाना दिया था सुदामा जी को, बोले कृष्ण को दे कर खाना, लेकिन उन्होंने छुपा छुपा कर खाए, ठाकुर को नहीं दिया, इसलिए इतना दरिद्र उसने भोगना पड़ा, धनी कम बना। जब ठाकुर को दर्शन करने के लिए गया, दो मुठी चिड़वा लेकर गया, हैं? ठाकुर जी दो मुठी चिड़वा खाई तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया ठाकुर जी। अगर ठाकुर को भोग लगा कर खाओगे घर में धनी आएगी, धन आएगी, नहीं तो लक्ष्मी घर में नहीं आएगी, घर में समझ रहे हो, प्याज लहसुन को छोड़ देना, घर में घुसाना नहीं। नवरात्र करते हो, 9 दिन तक खाती हो, क्यों नहीं खाते, क्यों किसी लिए नहीं खाते हो, माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खा रहे हो ना, क्या भैया को 9 दिन के लिए नहीं खाकर खुश करो, घर खाकर नाराज कर दो, मतलब अगर प्याज लहसुन खाओ ना माता जी नाराज हो जाएगी तभी नहीं खाते है ना, क्या 9 दिन तक भैया को खुश रखो फिर खाकर नाराज करो, इसलिए ये चीज को संपूर्ण त्याग देनी चाहिए, ठीक है। और भगवान की भोग लगाओ, तुलसी बताते कर देखना, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मेरे को जो भोग लगा कर खाएगा ना उसको घर में दुख कष्ट नहीं आएगा, और मेरे को जो भोग नहीं लगा कर खाएगा घर का सारे दुख कष्ट उसको घर में आएगा, सारे दुख कष्ट उसको घर में ठाकुर दे देंगे, क्योंकि जो पैसा जो लक्ष्मी अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगी ना घर में सुख नहीं देगी, बीमारी दे देगी, अशांति दे देगी, लड़ाई दे देगी, ठीक है ना, क्या करना है, ठाकुर जी को खाना, उसके बाद में खाना, और प्याज लहसुन नहीं खाना, और माला जपनी है, ठीक है ना, सबके सब जैसे देखो तो दोनों को, तो बहू को देखो और सास को देखो और उसका बेटी को भी देखो, बेटी कहाँ गई, कहाँ है, देखो ये सबको कलम में कंठी है, तिलक है, सब भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, समझ रहे हो, नहीं तो जिस घर में बच्चे भक्ति करेंगे ना वो घर में शांति सुख रहेगा,
नहीं तो बच्चे बड़ी गड़बड़ी करेंगे, बीड़ी फूकेंगे, उल्टा पुल्टा संगत में जाएंगे, गंदे गंदे काम बच्चों के साथ में, आवारा बच्चों के साथ में घूमेंगे, दारू पीना शुरू कर देंगे, घर नहीं स्मशान बन जाएंगे। लेकिन भक्ति में जुड़े रहोगे ना, बच्चे कभी गलत काम में नहीं जाएंगे। इनको बच्चों को देख लो, सब घर सब मंदिर में आते हैं, कोई सिगरेट दारू कोई गंदी चीज नहीं खाते, कोई गंदी चीज नहीं, कोई पूरे एव नहीं है, भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं, घर में भजन करते हैं, आनंद में रहते हैं, ठीक है। हाँ आनंद में रहना, लेकिन सबसे सब माला ले आना, जो हरिनाम करना मंदिर में आ गया माला ले आओ, भोग लगाओ, भक्ति करो, घर में हमारी घर ही भगवान का धाम है। और ये छोड़ा किसका है, कितने छोरे, एक ही और एक छोरा करना चाहिए था, एक छोरा हमें देता और एक छोरा तेरे पास होता था, और इसको मंदिर में भेजना। तो उनको बच्चे जैसे जाते हैं ना, बड़े श्लोक सीखते हैं, कथा सुनाते हैं, अगर भगवान की भक्ति करेगा, भगवान का नाम करेगा, ये कभी गंदा रास्ता में कभी नहीं जाएगा। और सवेरे होते तुम्हारे प्यार छुएगा, क्यों करे नहीं, पहले पिता माता की सेवा करनी चाहिए, बात सुननी चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो उल्टा पुल्टा बच्चों के साथ में घूमेगा, फिर तो तुम्हें भी आदर नहीं देगा, ठीक है। इसलिए बच्चों को मंदिर में भेजो, भक्ति कराओ, भजन कराओ, अच्छे संस्कारी बने, पिता माता की सेवा करे, पिता माता को आदर जतन करे, ठीक है। हाँ लेकिन तू करोगे तब तो करेगा ना, सीख गया तेरे से पहले, पहला गुरु तो माँ है, पहला गुरु कौन है, पहला गुरु माँ है, हाँ? तुम जो करोगे बच्चा तुमसे सीखेगा, भजन करोगे भक्ति करोगे तभी करेगा, अगर तू नहीं करोगे तो फिर करेगा नहीं, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। भजन सुन, कौन पूछेगी, हाँ बोलो। हम ना टीवी पे कथा सुनते हैं संस्कार और आस्था पे, उसपे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी सुनाते हैं कथा, तो उसमें वो बताते हैं, आप बताते हो कि कृष्ण जी के चने चुरा के खा लिए थे सुदामा जी ने, तो बताते हैं कि वो श्रापित चने थे, और जो सुदामा जी थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और पंडित थे, तो उन्होंने उन चनों को देखते ही पहचान लिया था कि ये श्रापित चने हैं, और कान्हा जी उनके दोस्त कहते हैं अगर ये मेरा दोस्त ये चने खाएगा तो वो गरीब हो जाएगा, उस पर बहुत बड़ी परेशानी आएगी, इसलिए उन्होंने वो चने उन्हें नहीं खाने दिए थे, और सुदामा जी के आने से पहले ही खा लिए थे चने, ये बात सही है। देखो उसमें भगवान एक लीला करते हैं, और एक लीला के साथ में बहुत सारी चीज को सिखा देते हैं, एक तरह से इसको समझ लो ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ में भी यही समझाते हैं, अगर ठाकुर जी को बिना दिया हुए अगर खाएंगे तो हमें दरिद्र भोगना पड़ेगा, वो बात भी सही है, लेकिन ये बात भी सही है, और ठाकुर को कभी अभिशाप लग सकता है, ये चीज समझो, ठाकुर को भी अभिशाप लग जाता है, बल्कि ठाकुर जी कोई चीज को ग्रहण कर लेना, अगर कोई अभिशाप लगा हुआ व्यक्ति को भी कल्याण हो जाता है, अगर ठाकुर जी किसी को ग्रहण कर ले, ठाकुर में ही समर्थ है हर चीज को ग्रहण करके दूसरों को कल्याण कर सकते हैं, ठाकुर के सिवाय जगत में और किसी का हिम्मत नहीं जो कोई चीज को ग्रहण करके उसको कल्याण कर सकते हैं, ठाकुर कर सकते हैं और उनका एक भक्त भी कर सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं, दो तरफ से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भजन कर लो, ताली बजा कर कीर्तन कर लो, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय Thank you.
देखो जिस घर में संत लोग आते हैं, जिस घर में ठाकुर का कीर्तन सत्संग हो ना, कह तो घर नहीं भगवान का धाम हो जाता है। और घर से जितने दुख कष्ट है, घर का जितने क्लेश है, सबके सब घर से भाग जाती है। इसलिए कहते ना मंगल भवन मंगल हारी। हाँ, इसलिए घर में कीर्तन करनी चाहिए, संतों को बुलानी चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार पड़ेगा, बच्चे अच्छे बनेंगे, नहीं तो सब दारू पीने वाले आएंगे। हैं, अगर पति घर दारू पिए ना, सब दारू पीने वाले घर आएंगे। लेकिन जिस घर में संत आएंगे ना, मेरे घर में कोई दारू नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं फूकेगा, गंजा नहीं फूकेगा, समझ रहे हो? मेरे घर पवित्र रहेगा। इसलिए नियम है घर में संतों को बुलाओ, घर में हरि कीर्तन कराओ, घर तुम्हारी भगवान की धाम हो जाए। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राम। प्रसाद प्रसाद कहाँ बैठेंगे?